दोस्तों जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था एक सैमसंग का स्मार्ट टीवी, और दोस्तों आज के इसी वीडियो में हमने मंगाया हुआ है इन्फिनिक्स Y1 जो कि उसके आधी दाम में है। वो हमने ख़रीदा था 15,000 के आसपास में, और दोस्तों इसको हमने ख़रीदा हुआ है पूरे के पूरे 8,000 में, जैसे ऑफर वगैरह लगा कर 8,000 में हमको ये मिला हुआ है। तो गाइस चलिए, ये भी पूरी तरह से पैक है, तो दोस्तों चलिए हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें भी हमको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो जैसे कि चलिए गाइस, सबसे पहले ऐसे कि हम इसको कट कर देते हैं ताकि दोस्तों ये खुल जाए आसानी से। और गाइस कुछ सील पैक इसका अच्छी क्वालिटी की लगी हमको, तो यहाँ से इसको थोड़ा कट करना। 2 hours later. ओहो, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी टीवी 32 इंची का है, और इसमें हमको क्या कुछ देखने को मिला है ये पहले देखते हैं। दोस्तों सबसे इसमें एक हमको अच्छी बात लगी कि दोस्तों देख सकते हैं जो इसका वायर है इसी में दिया हुआ है, मतलब कि उसमें अलग दिया था, निकाल सकते हैं दोस्तों। वही आईओ की ज़्यादा अच्छा था इससे, और ये थोड़ा मुझको अच्छा नहीं लगा। और इसमें दोस्तों HDMI पोर्ट पूरे पूरे 3 दिया है, USB पोर्ट दिया है, और भी बहुत कुछ दिया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इस वाले बॉक्स में हमको क्या कुछ देखने को मिला हुआ है। दोस्तों वॉल माउंट भी इसमें दे दिया है जो कि अच्छी बात है गाइस। उसमें वॉल माउंट नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों वॉल माउंट हमको बाद में आएगा इंस्टॉलेशन के समय, जो इंस्टॉलेशन वाला बंदा आएगा वो लेकर आएगा। तो दोस्तों ये हमको खुशी वाली बात है, इसको हम रख देते हैं साइड में। और ये देखिए गाइस कि इसमें हमको और भी कुछ दिया हुआ है, स्टैंड वगैरह दिया है। तो गाइस ये स्टैंड प्लास्टिक का है जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी घटिया है, जो कि हम प्रेफर नहीं करेंगे कि हाँ इसको आप रखें, लेकिन मिला है फ्री में तो दोस्तों आप इसको रख सकते हैं। और कुछ इसमें वारंटी कार्ड प्लस यूजर मैनुअल भी हमको दी हुई है, तो इसको भी हम रख लेते हैं। और साथ ही में हमको मिली हुई है एक रिमोट, तो गाइस यहाँ पर रिमोट के साथ हमको मिली बैटरी, जो कि बैटरी मिलती है। और दोस्तों रिमोट की आप देख सकते हैं क्वालिटी, जैसे कि उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिया था, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि रिमोट में क्या कुछ ही मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं है, इसे बैटरी को लगाते हैं फटाक जल्दी से, ताकि दोस्तों हम देख सकें कि आखिर इसमें क्या कुछ हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं इसमें भी मैंने डिस्प्ले को कास्ट किया, और दोस्तों यहाँ पर भी लेटेंसी हमको थोड़ा कम ज़्यादा मिली, मतलब कि डिस्प्ले की लेटेंसी उतना अच्छी खासी तो नहीं मिली, लेकिन दोस्तों फिर भी आप देख सकते हैं इसमें भी हम अपने डिस्प्ले को कास्ट वगैरह कर सकते हैं, और जो भी चलाएंगे अपने मोबाइल में बिल्कुल इसमें दिखाई देने लगेगा बड़े ही आसानी से। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यूट्यूब खोला और यूट्यूब में मैंने जो भी स्क्रॉल किया दोस्तों बड़े ही आसानी से इसमें भी दिखाई दे रहा था अच्छी खासी। दोस्तों अभी मैं कैमरा वगैरह खोल के देखता हूँ कि कैमरा की क्वालिटी वगैरह कैसा दिखती है। तो गाइस ये मेरा मोबाइल का एक कैमरा है, ये मत समझिए कि इसमें कैमरा लगा हुआ है। गाइस ये यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मेरे मोबाइल में जैसे कैमरा उठाएगा उसमें थोड़ा डिस्प्ले की क्वालिटी मेरे को घटिया लगी, जैसे कि व्हाइट उसमें दिखा रहा है, और आप मोबाइल में आप देख ही सकते हैं थोड़ा अच्छी खासी दिखा रहा है। तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत हमको अच्छा उतना नहीं लगे, फिर भी दोस्तों कोई ना, थोड़ा बहुत हम कास्ट वगैरह तो कर ही कर सकते हैं इसमें भी। तो चलिए हम इसको कर देते हैं कट और इससे बाहर आते हैं। और गाइस अब मेन मुद्दा आता है कि इसमें भी एप्लीकेशन कौन कौन से डाउनलोड हो सकते हैं, तो ये दोस्तों देखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि गाइस ये भी एंड्रॉयड नहीं है, तो इसको चलिए हम कनेक्ट हो चुका है इंटरनेट से, इंटरनेट से कनेक्ट होने के साथ ही गाइस हम इसमें देखते हैं एप्लीकेशन की। दोस्तों यहाँ पर शुरुआत में ही कुछ हमको मतलब होम स्क्रीन पे ही कुछ हमको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे देते हैं एप्लीकेशन वगैरह का, शॉर्ट वीडियो का, जो कि आप देख ही सकते हैं। एप्लीकेशन में हम जाते हैं ऐप्स में, और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका ऐप्स है यही रहेगा, दूसरा आप ऐप्स नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों कुछ इसमें एप्लीकेशन दिया है जो कि यही रहेगा, और इसी में सब किसी को इंस्टॉल करके चला सकते हैं। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो वगैरह का ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों नेटफ्लिक्स का ऑप्शन इसमें नहीं दिखाई दिया है, जो कि आप देख सकते हैं यूट्यूब, और इसके रिमोट में भी दोस्तों 3 ही ऑप्शन दिया है, प्राइम वीडियो, यूट्यूब प्लस यहाँ पर इंटरनेट वगैरह का, तो ये आप देख सकते हैं। और अच्छी उतना डिस्प्ले की क्वालिटी मेरे को कोई खास नहीं लगी, लेकिन दोस्तों फिर भी खराबी नहीं कहेंगे। और दोस्तों इसकी भी साउंड मेरे को जहाँ तक पता है आईओ की अच्छी साउंड है इसकी भी, तो चलिए दोस्तों इसकी भी हम साउंड टेस्ट कर ही लेते हैं, कुछ यहाँ पर चलाते हैं जिससे कि दोस्तों साउंड की क्वालिटी हमको पता चल सके। यहाँ पर तो दर्शाया गया है कि 20 वाट का इसमें स्पीकर दिया है बॉक्स वाला, तो अब हम क्या ही कह सकते हैं, 250 nits अल्ट्रा ब्राइटनेस वगैरह दिया है, तो चलिए अच्छी बात है, ब्राइटनेस थोड़ा बहुत दिखाई दिया लेकिन ज़्यादा कोई खास ब्राइटनेस भी नहीं है ये। और यहाँ पर हम इसका ट्रेलर ही देख लेते हैं, किसी से भी हमको बस पता चल जाए हाँ भाई इसका कैसा है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मतलब बहुत ही लेग कट कर चल रहा है, मतलब कि अभी मैं कट किया लेकिन गाइस यहाँ पर देखिए कितना लेग कट करके कुछ इसमें खुल रहा है, मतलब अटक अटक के। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने यूट्यूब पे दबा हुआ है दोस्तों, अभी तक यूट्यूब उसमें नहीं खुला, तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पर दिक्कत का सामना हमको करना पड़ रहा है। और यूट्यूब खुल चुका है, और गाइस यहाँ पर कुछ हम इसका लाउडनेस चेक कर लेते हैं कुछ बजा कर,
तो कुछ हम चला देते हैं थोड़ा देर के लिए, और ये भाई साहब रहे, चलिए इसको ही चला देते हैं। कुछ भी बस चलाया, हमको पता चल से कहाँ भाई। तो गाइस ज़्यादा कुछ नहीं चलाएंगे, नहीं तो स्ट्राइक वगैरह आने का खतरा रहता है। लेकिन दोस्तों स्पीकर की क्वालिटी भी अच्छी खासी लगी, और ज़्यादा कुछ हद तक मेरे को अच्छा नहीं लगा। लेकिन दोस्तों बेजल थोड़ा बहुत कम है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें 8,000 में, दोस्तों और क्या ही चाहिए। और हम एक एंड्राइड मतलब इस स्मार्ट टीवी में हम क्या ही करेंगे, इसमें कोई गेम वगैरह तो खेल ही नहीं सकते हैं। गेम खेलने के लिए तो बनता ही नहीं, टीवी वगैरह देखेंगे जो कि ऑप्शन सबको दिया हुआ है। तो हमको नॉर्मल यूज है, तो दोस्तों हम इसको खरीद सकते हैं, मॉनिटर वगैरह कभी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा डिस्प्ले की क्वालिटी घटिया है, मॉनिटर का क्वालिटी थोड़ा अच्छा रहता है, ये भी आप देख सकते हैं। फिर भी दोस्तों जहाँ तक मेरे को लगता है अच्छी खासी ही है, प्राइस के हिसाब से बहुत ही बेहतर मैं कहूँगा। और गाइस यदि आप इसको खरीदना चाहते हैं तो ऑफर वगैरह में खरीदिए दोस्तों। आप इसमें कोई कार्ड वगैरह लगाते हैं तो 1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे तो 9,000 दाम रहता है, लेकिन दोस्तों कार्ड वगैरह पर यहाँ पर आपको बड़ी आसानी से ये आपको सिर्फ बस सिर्फ 8,000 में ही देखने को मिल जाएगा, जो कि ये बहुत ही अच्छी बात है। और गाइस यही थी कुछ इसके बारे में जानकारी। अब ज़्यादा कुछ जानकारी मैं कुछ दिन इसका इस्तेमाल करने के बाद ही दे पाऊँगा, अभी तो इसका जानकारी देना बेहद ही मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों अभी ये आया हुआ है, तो दोस्तों हम कुछ दिन चलाएंगे इसको, उसके बाद से इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देता रहूँगा ये टीवी कैसा है। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। तो गाइस अब ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बताना चाहूँगा, और इसी साथ इस वीडियो करूँगा समाप्त। मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।